आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आई है जो कि हेलो इंग्लिश करके एक कंपनी है उसकी तरफ से आ रही है। तो हेलो इंग्लिश के बारे में अगर आप लोगों को नहीं मालूम, तो अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि हेलो इंग्लिश जो है वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट स्पोकन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म पे एक ऑनलाइन कोडिंग एजुकेटर की अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आई है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे ऑनलाइन इंग्लिश एजुकेटर की सामने आई है। तो बात करेंगे दोनों अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, ताकि हम इसी तरह से अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है आप सबके लिए सामने लेकर आते रहे। तो बात करेंगे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है आपकी ऑनलाइन इंग्लिश एजुकेटर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि इम्प्लॉयज जो है कैन वर्क रिमोटली फुल टाइम, यानी कि फुल टाइम लाइफ टाइम के लिए ये आपका वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। कंपनी का नाम है हेलो लर्नर, यानी कि हेलो इंग्लिश। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अभी फिलहाल 5 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं इस हेलो लर्नर कंपनी के, यानी कि हेलो इंग्लिश कंपनी के। अभी फिलहाल 5 करोड़ से ज्यादा ग्लोबली इसे पर्सन यूज कर रहे हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे कि ये क्या ऑफर कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने लिखा है, बताया हुआ है यहाँ पे कि अभी ये करंटली जो ये जॉब है ये वर्क फ्रॉम होम है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका डे टू डे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग रहेगा, जो कि इनको किड्स और एडल्ट्स की लेनी रहेंगी, जिसमें उनको इंटरमीडिएट और एडवांस इंग्लिश जो है वो सिखानी है बच्चों को। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो इन्होंने बताया कि जो भी अप्लाई करना चाहता है यहाँ पे उसको ये अवेलेबल होना चाहिए कि वो वर्क फ्रॉम होम कर पाए, और इमीडिएटली बताया, यानी कि अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको रिवर्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपके पास स्पीकिंग जो एबिलिटी है अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होने चाहिए आप लोगों के पास। ऑब्वियसली इंग्लिश एजुकेटर का रोल है तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे। ग्रामर और प्रोनंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इन्होंने बताया कि आप अवेलेबल होना चाहिए फुल टाइम रोल के लिए। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस रोल के लिए। तो अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है या फिर उससे ज्यादा अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने बताया कि अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें अगर आपने किसी होम स्कूल में पढ़ाया या फिर ट्यूटर या फिर कोचिंग और मेंटरिंग एंड कोई अदर एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा इन्होंने यहाँ पे बताया कि कोई टीचिंग का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने BA की है और BEd की है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में या फिर कोचिंग में या फिर ट्यूटर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहता होगा सिंपली आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका एक न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज को जब ये ओपन होता है तो यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है आप सभी को। जैसे ही आप आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा और वहां से आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ से जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको देखना है कि अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आप जो भी आपसे डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पे मांगी जाएगी उस पर आप डाल देना कि आपके पास एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई इंडीड से भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास इंडीड में प्रोफाइल नहीं है तो यहाँ पे अपना जिसपे भी स्टार मार्क किया गया है, ये स्टार मार्क वाली सारी इंपॉर्टेंट यानी कि कंपलसरी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी ही करनी है। जैसे ही ये पूरी की पूरी आप डिटेल्स फिल कर लोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, तो वो है आपकी ऑनलाइन कोडिंग एजुकेटर की। तो ऑनलाइन कोडिंग एजुकेटर में देखते हैं इन्होंने क्या आपसे रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। तो ये भी आपकी फुल टाइम की वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि आप जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे इस जॉब के लिए, उनको पाइथन हो गया या फिर C++, जावास्क्रिप्ट, HTML, यानी कि आपको कोडिंग लैंग्वेजेस जो है आनी चाहिए। कोडिंग लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जॉब लोकेशन आपकी ऑनलाइन रहने वाली है, यानी कि पैन इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है।
टीचिंग ऑनलाइन रहने वाली है आपकी, जिसमें आपके फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स रहेंगे। यहाँ पे बताया है क्लियरली कि अगर आपके पास डिजायर्ड एक्सपीरियंस पे, इन्होंने बताया कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो या फिर 1 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे इजिली अप्लाई कर सकते हो। कोर्सेज स्पेशलाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि अगर आपने बीई किया है, बीटेक किया है, या फिर बीबीए भी की है, या फिर अगर आप बीसीए, एमसीए, एमटेक के कैंडिडेट्स हो, तो भी आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो आपका 3 मंथ्स का रहने वाला है बेसिकली, और आपका कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है ये, जिसमें इमिजिएटली इन्होंने बताया कि इमिजिएटली इनको रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से रिवर्ट आना ही कंपल्सरी है। ये रिवर्ट आपको जरूर आएगा, जो कि आपको 1 या 2 दिन में आ जाएगा इनकी तरफ से। तो 24 आवर्स पर वीक मिनिमम कमिटमेंट, यानी कि एक वीक में आप मिनिमम 24 आवर अपना दे पाओ। दूसरा, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से अप्लाई जरूर कर देना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अदर रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग बात करें तो इन्होंने बताया कि आप यहाँ पे जो टीचिंग करोगे वो 6 से लेकर 14 एज तक के कैंडिडेट्स की रिगार्डिंग रहेगा, यानी कि जो भी किड्स रहेंगे 6 एज से लेकर 14 तक, उनको आप यहाँ पे पढ़ाने वाले हो। दूसरा, आपको यहाँ पे लैपटॉप या पीसी विद माइक्रोफोन या फिर आपका कैमरा होना चाहिए आपके पास, और आपकी फ्लुएंसी इन इंग्लिश जो है वो मस्ट होनी चाहिए, और आपको जो है यहाँ पे स्पीड जो आपका इंटरनेट का मिनिमम 6 Mbps होना चाहिए। इससे कम भी होगा तो भी चलेगा, पर इतना मिनिमम आपका जो है रिक्वायरमेंट इन्होंने आपसे मांगा हुआ है। सो बात करें अगर हम अब यहाँ पे कि आपका, इन्होंने यहाँ पे आपको बताया नहीं है कि आपको जो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है दोनों की दोनों, यानी कि आपका ऑनलाइन इंग्लिश एजुकेटर की जो अपॉर्चुनिटी है और जो आपकी ऑनलाइन कोडिंग एजुकेटर की जो अपॉर्चुनिटी है, दोस्तों इन्होंने यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया इस चीज का कि आपको यहाँ पे कितनी जो पेमेंट है वो यहाँ पे पैकेज कितना मिलेगा। बट हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग और यहाँ पे कुछ लोग जो है हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे पर मंथ का जो सैलरी रहेगा वो अराउंड 25 to 30,000 के करीब रहता है दोनों जॉब वैकेंसीज में, यानी कि ऑनलाइन इंग्लिश एजुकेटर में भी और ऑनलाइन कोडिंग एजुकेटर दोनों के अंदर आप लोगों को जो पेमेंट मिलेगा वो 25 to 30,000 पर मंथ का मिलता है। तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हमने निकाली है, सामने लाए हैं आप सभी के लिए। इसी तरह से अमेजिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि जो भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आएंगी वो हम सब के लिए सामने लाते रहें और आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।